हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में भारत के प्रमुख जलप्रपात से संबंधित एमसीक्यू पर नजर डालेंगे। पहला सवाल है, भारत में स्थित जोग या गड़सोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है शरावती नदी। अगला सवाल है, भारत में स्थित जोग या गड़सोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है कर्नाटक। भारत में स्थित जोग या गड़सोप्पा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 255 मीटर। अगला सवाल है, भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है चंबल नदी। अगला सवाल है, भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है राजस्थान। अगला सवाल है, भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 18 मीटर। भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही आंसर कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर 90 मीटर है। अगला सवाल है, भारत में स्थित हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर स्वर्णरेखा नदी है। अगला सवाल है, भारत में स्थित हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही आंसर झारखंड है। भारत में स्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर 74 मीटर्स है। अगला सवाल है, भारत में स्थित कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर बराही नदी है। अगला सवाल, भारत में स्थित कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही आंसर कर्नाटक है। भारत में स्थित कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर 455 मीटर है। अगला सवाल है, भारत में स्थित किस जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है? सही आंसर कुंचिकल जलप्रपात है। अगला सवाल है, भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर नर्मदा नदी है। अगला सवाल है, भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर 30 मीटर है। अगला सवाल है, भारत में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर गोकक नदी है। अगला सवाल है, भारत में स्थित गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है कर्नाटक। भारत में स्थित गोकक जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर 55 मीटर है। भारत में स्थित मंदार और पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर नर्मदा नदी है। अगला सवाल है, भारत में स्थित मंदार और पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही आंसर मध्य प्रदेश है। अगला सवाल है, भारत में स्थित चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर इंद्रावती नदी है। अगला सवाल है, भारत में स्थित चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? सही आंसर छत्तीसगढ़ है। अगला सवाल है, भारत में स्थित दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर मांडवी नदी है। अगला सवाल है, भारत में स्थित दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही आंसर गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, जमकर शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।